कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कि अगर भाव से गया है तो उसकी ये जरूर पुकार सुनते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि ना सुने। फिर इनकी क्षमता ही नहीं है जो ना सुने, क्यों? भगवान हमेशा भाव का भूखा है। भाव के वस सब घर आए, प्रेम से झूठे बेर दिखाए। जय सियाराम, सब सुख लहे तुम्हारी सरकार, तुम रक्षक कहो। हनुमान जी प्रसन्न हो जाए तो जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो पूरा ना हो सके, सब संभव हो जाता है हनुमान जी की कृपा से। और इस वक्त हनुमान जी साक्षात यहाँ विराजमान है और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हैं। स्वागत है आपका। जय सियाराम। जय श्री राम। पंडित जी क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु कुमार शुक्ला है। पंडित जी आप तो उस पुण्य धारा से आते हैं जहाँ पे प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का जो अधिकतम समय है संभवतः 12 साल वहाँ पे व्यतीत किया है। भक्तों कल्याण के लिए बताएं कि क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव हो जाता है? बिल्कुल, इनकी कृपा जिस पे हो जाए तो नर भी नारायण के रूप में दिख सकता है, पर इनकी कृपा होनी चाहिए। और जो इनकी शरण में जाए तो इनकी कृपा का पात्र होता है। अब पात्र होने के बाद फिर ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई कार्य उसका ना हो। ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई, लेकिन व्यक्ति पात्र कैसे बने, ये जिज्ञासा भक्तों की रहती है। भाव इनके प्रति या किसी भी देवी देवता स्थान के प्रति यदि अगर हम निर्मल भाव से अगर वहाँ पे प्रस्तुत हो रहे हैं तो इनकी हम क्षमता नहीं देखते हैं, या कोई भी मनुष्य क्षमता मतलब चाहे इन्हें आजमाना तो आजमा कर देख ले कि अगर भाव से गया है तो उसकी ये जरूर पुकार सुनते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि ना सुने। फिर इनकी क्षमता ही नहीं है जो ना सुने, क्यों? भगवान हमेशा भाव का भूखा है, दौलत का भूखा नहीं है, सिर्फ प्रेम और भाव का भूखा है। और भाव में ही भक्ति होती है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हाँ, मैं अभी कुछ समय से ही जुड़ा हूँ। अच्छा, इस मंदिर के साथ में जी, है ना। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं। एक्सपीरियंस का बताएं तो अभी जो ना दीपावली से कुछ दिन पहले वो आती है धनतेरस वाले दिन, है ना। मैं कुछ ही दिन पहले उससे धनतेरस से कुछ ही दिन पहले, है ना, मंदिर के साथ जुड़ा, बाबा के साथ जुड़ा, है ना। तो हमने एक्सपीरियंस ऐसा किया कि मेरी मिसिज का एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, है ना। और एक्सीडेंट भी इतना खतरनाक था कि एक बिजली का बड़ा खंबा वो 2 फुट दूर जाके गिरा, है ना। और मेरे मिसिज को और बच्चे को खरोच भी नहीं आई, वो बाबा की कृपा से। मतलब बिल्कुल खरोच तक नहीं आई, खरोच भी नहीं। हनुमान जी ने सब संभाल लिया। अच्छा, छोटी मोटी घटना होती रहती हैं, बाबा हैं बचाने वाले। जी जी, तो हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की महिमा से आप कब परिचित हुए, कब से लगाव लगन लगे? लगाव तो जब से बच्चों के साथ एक्सीडेंट हुआ था उस दिन से तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। फिर तो हर मंगलवार को हम लोग यहाँ पर चालीसा भी करवाते हैं, है ना। और जब जुड़े थे तो अब, है ना, संख्या भी 5-7 रहती थी, अब तो 85 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं सचिन जी? मेरा अपना इलेक्ट्रिकल का काम है। नहीं, बहुत सारी ऐसी घटना होती हैं तो हम तो बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं सब कुछ। अच्छा, बाबा हैं तो, है ना, कोई अनर्थ हमारे साथ नहीं हो सकता। नहीं होता है, मतलब इतना विश्वास है आपको? जी बिल्कुल, कि कोई अनर्थ नहीं हो सकता। जिस काम में हाथ डाल देते हैं वो पूरा हो जाता है।
बहुत लोग घबराने लगते हैं कि हनुमान जी सुन नहीं रहे, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। हम तो सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप ही हैं कर्ता धर्ता, बाबा निकाल देते हैं, हमारी नैया पार कर देते हैं। अच्छा, हनुमान चालीसा है ना, जब भी दुखी कोई वो होती है, कोई समस्या आ जाती है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से ही सब जी, हाँ जी, पूरा हो जाता है, सब संकट टल जाते हैं, सब संकट टल जाते हैं। प्रेरणा ये सी हुई कि हम शुरू से ही भोलेनाथ इनको मानते थे, शुरू से एक लगन लगी हमारे अंदर, और फिर धीरे धीरे इनकी ऐसी कृपा हुई, ना तो मुझे कुछ मूर्ति बनाने आता था ना कुछ, पता नहीं ऐसे ऐसी इनकी कृपा हुई, ऐसा सपना अभ्यास हुआ कि इनकी कृपा से ही मूर्ति पहले पीछे वाली शिवलिंग बनाई, मट्टी से मूर्ति आपने स्वयं बनाई, स्वयं बनाई है। अच्छा, और भोलेनाथ भी पीछे जो बने हैं वो मूर्ति पुरानी है। हाँ, फिर पता नहीं कैसे कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, लेकिन उनकी ऐसी कृपा हुई, हमने बनाना धीरे धीरे चालू करा ये मूर्ति। अच्छा, अपने हाथों से बनाई है सेवा करके। अच्छा, समझो तो इनकी महिमा ऐसी ऐसी है कि बस इनकी कृपा हुई हम पे और ऐसे ऐसी मूर्ति बनाई। आज आज सब लोगों के सामने मंदिर बना हुआ है और संघर्ष बहुत करा था। अच्छा, हाँ जी जी। अच्छा पंडित जी, यहाँ के बारे में काफी चर्चा भी है, काफी चमत्कृत घटनाएं भी यहाँ के बारे में सुनने को मिलती है, तो ये बुलाते ही रहते हैं हम लोग। हाँ, कृपा तो कुछ ना कुछ होती रहती, कोई कैसा आता है, कोई कैसा आता है, यहाँ किसी पे भूत प्रेत ये खेलते हुए आते, माता टेकते अपने आप शांत हो जाते हैं यहाँ। अच्छा, ऐसे ऐसे हाँ ऐसी कृपा, उनका टीका लगाते हैं हनुमान जी की महिमा का, और एटिकमेटिक वो अपना हाथ जोड़ता है जय श्री राम करके उनको आराम मिलता है। कितने भक्त ऐसे आते हैं यहाँ। अच्छा, संकट तो ये लगा लो जैसे मंदिर बनाया यहाँ बना, कितने लोग आए इस मंदिर को ना बने, एक ने तो नू भी कह दिया यहाँ एक ईंट नहीं लगा सकते तुम मेरे सोचते। अच्छा, वो आज आज वो है ही नहीं यहाँ पर दुनिया में, और मंदिर बनकर तैयार हो गया समझो उसी के सामने। अच्छा, आज वो है भी नहीं, ऐसे ऐसे आए थे यहाँ पर, ये क्यों कर रहा है, ये क्या है, ये है, और हनुमान जी खड़े रहे, वो है ही नहीं यहाँ पर आज दुनिया में समझो, और वो चले गए और हनुमान जी का मंदिर तैयार हो गया आज बन के। देख लो आप सबके सामने झंडा लहर रहा है सत्य का, सब बाधाएँ खत्म, सब बाधाएँ खत्म हो गई, संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमरे हनुमत वलवीरा, और अगर इनकी शरण में आता है तो वो उसका उद्धार हो जाता है, वो एक अलग ही अपने मन में एक अलग ही चमत्कार देखता है भक्ति करने से, और इनकी पूजा पाठ करने से, इनका नाम लेने से एक अलग ही मन में अनुभव होता है कि हे प्रभु आज मैं आज तलक तो मैं भटक रहा था और आज ऐसी कृपा हुई है, पहले क्या था मैं और आज कृपा से आपकी आज मैं क्या हूँ, तो इसी मारे ये हाँ ये भक्तिपूर्ण मतलब जीवन में सब बदल जाता है, बदल जाता है, एक अजय भी हो जाता है कि पहले वो क्या था और आज आज उन कल तक वो मानता नहीं तो आज देखो उनको माना तो आज उन्हें हनुमान जी ने क्या दे दिया उसे, कल वो कुछ भी नहीं तो आज उनकी कृपा से कितना है कि आज वो सुंदरकांड मंदिर में कर रहा है, हनुमान चालीसा कर रहा है और लोगों को भंडारा कर रहे हैं, तो बस इनकी कृपा है ना। जब हनुमान जी ने उनको बुद्धि दी तो आज कृपा हुई उनकी समझो, और ज़्यादा कोई अगर घर में सुख शांति नहीं तो सुंदरकांड का पाठ करवाए। अच्छा, बंदरों को फल लें, केला हैं, ये चीज़ वो करें तो हनुमान जी की कृपा होगा। श्री राम जी का नाम लेना बहुत जरूरी है सबसे पहले। हाँ, श्री राम का नाम लोगे सबसे पहले हनुमान जी से पहले श्री राम का, तो खुशी अपने आप ही हो जाएंगे।